आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दिमाग खराब हो गया है, जिसके चलते उन्हें इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य की जनता वर्ष 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी से उम्मीदें लगाकर बैठी है। उन्होंने कांग्रेस को कोसा और कहा कि कांग्रेस सरकार इतिहास की सबसे नकम्मी व सुस्त सरकार साबित हुई है। वह आज मोगा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ सांसद भगवंत सिंह मान भी थे। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल अपना आधार खो चुकी है और छीनी हुई जमीन को वापस हासिल करने में लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ही इस बार वर्ष 2022 में पंजाब में अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, हमारे जितने भी लोग म्युनिसिपल चुनाव लड़े, आज उनसे गलबात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे और पूरे चुनाव की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को कहा जाता था कि शहरों में कमज़ोर है, कहा जाता था कि ये पार्टी का संगठन नहीं है। आज इस चुनाव में हमने ये दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी की फ़ौज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है, शहरों में है और ज़ीरो सीट से 67 सीट तक आम आदमी पार्टी पहुंची है। आने वाले चुनावों की रणनीति बनाने के लिए आज सबसे गलबात करेंगे। राघव जी, पंजाब सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव वादा किया था पंजाब नशा खत्म होगा, तेजा की किया जाऊगा, 4 साल बीत चुके हैं। आम आदमी जी पार्टी अकाली दल पार्टी है, 1 तरीक न विधानसभा चुनाव का विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कैप्टन साहब ने बीते 4 साल में मुझे लगता है कि पंजाब के इतिहास में सबसे निकम्मी और सुस्त सरकार चलाई। पूरे 4 साल राजा साहब अपने महल के बाहर नहीं आए, कहा था कि 4 हफ्तों में नशा ख़त्म कर दूंगा, घर घर नौकरी दूंगा, कर्ज़ा खुरकी माफ़ करूंगा और क्या क्या नहीं कहा, सूरज चांद सितारे तक वादे कर दिए, लेकिन एक भी चीज़ पंजाब की आवाम को, पंजाब की जनता को नहीं दी। आज लोग उसका हिसाब मांगते हैं। गली मोहल्ले के चुनाव को ये ना समझो कि लोग नौकरी का वादा भूल गए, वो धक्केशाही का चुनाव था। उस चुनाव में आपने अपने अफसरों को, इलेक्शन कमीशन को अपने कैंपेन एजेंट की तरह इस्तेमाल किया। सर, अगर ये ना समझो कि धक्केशाही के चुनाव से आप लोग लोगों को नौकरी का वादा, नशा ख़त्म करने का वादा भुला दोगे। 21 मार्च को रविवार के दिन बागा पुराना में अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी के मुखिया, हमारे प्रधान, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनसे पंजाब की आवाम बेशुमार मोहब्बत करती है, वो केजरीवाल साहब पंजाब की इस पावन धरती पे आएंगे और बागा पुराना में जो एक आम आदमी पार्टी का महा सम्मेलन हो रहा है देश के किसान के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उसमें शिरकत लेंगे। क्या उसमें बाई की शुरुआत मानी जाए? हाँ जी, बाई की शुरुआत मानी जाए पंजाब से? नहीं, देखिए, किसान महासम्मेलन तो किसानों के अधिकार के लिए एक लड़ाई जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से लड़ रही है, उसकी एक कहें उसी दिशा में एक अध्याय है। लेकिन जहाँ तक 22 के चुनाव की बात है, आने वाले समय में मजबूती से 22 का चुनाव भी लड़ेंगे और आप देखेंगे कि अकाली दल वो पार्टी जिसे मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जाना जाता है, हर आदमी उससे नफरत करता है, भाजपा जिसका सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस पार्टी जिसने निकम्मी सरकार चलाई, इन सारी पार्टियों को एक बार पंजाब की जनता ने मौका दे के देख लिया। इस बार सब लोग आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद से देख रहे हैं और कह रहे हैं इस बार मौका झाड़ू वाले आनु देना। सर, तोमर ने कहा कि इकट्ठ को इकट्ठ से कानून रद्द नहीं होंगे। भाई, उनकी तो मत मारी गई है। वो कहते हैं ना, जब खुदा ने बदला लेना होता है, ऊपर वाले ने बदला लेना होता है, तो वो घुसंड नहीं मारता, लात नहीं मारता, मत मारता है। तो भाजपा वालों की तो मत मारी गई है, उनका दिमाग खराब हो गया है, उनको जाके अपना इलाज कराना चाहिए। देखो, जेड़े साडे एमसी दियां इलेक्शनां दे विच उम्मीदवार लड़े, 1600 दे लगभग सारे पंजाब चो, ते अज उन्हां नूं मिलना आए हैं, शाबाशी देना आए हैं, हौसला बढ़ाना आए हैं। जिन्होंने इन्ने जुल्म के झखड़ों के जोड़े 67 दीवे जगे ने, उन्होंने 67
67 जिते ने जी, बाकी आजाद उम्मीदवार साढ़े बहुत सारे पक्षी ने आ भी रहे, ज्वाइन कर रहे हैं। ये पहली बार असी इलेक्शन लड़ी है शहर की, साडा घर घर तक चोन निशान पहुंचा, तो असी सारे लीडर, सारे जिला प्रधानों, सारे अहदेदारों अज शाबाशी देना है कि आप लड़ाई अगली लड़नी। इनू कोई कई बार मीडिया वाले इनू सैमीफाइनल बाई का जां कुछ ऐ कह दिंदे ने, ये कोई सैमीफाइनल क्वार्टर फाइनल नहीं है। मैं याद करावा तो 2016 दे विच हुंजा फिर जित अकाली दल ते बीजेपी ने इन्हां चोणां 'च ही हासिल कीती सी, तां सुखबीर बादल कहिंदे सी 2017 साडा हो गया हुण फाइनल, तां 2017 दे विच उन्हां नूं 15 सीटां भी नहीं मिलियां। सो ये कांग्रेस भी गलत फहमी 'च ना रहे कि असी पता नहीं धक्केशाही करके जिहड़ियां MC दे इलैक्शन जित्तियां ने, इहदे नाल सानूं 2022 जिहड़ी है वह साडी हो गई ना। उदों मुद्दे होर होणगे, कैप्टन दीआं नाकामियां, कैप्टन दे जिहड़े वादा खिलाफियां ने वह भी जिहड़ियां ने असी लोकां 'च लैके जावांगे। प्लस असी 21 तरीक नूं 21 मार्च नूं बाघा पुराणा विखे बहुत वड्डी किसान महासम्मेलन कर रहे हैं, लखां दी गिणती 'च उहदे 'च लोक आउणगे, अरविंद केजरीवाल उहदे 'च शिरकत करनगे, तो मोदी की सरकार दी जड़ां हिला देंगे 21 मार्च में बाघे पुराने तो रैली करके किसानों के हक च के उन्हां दीआं मंगां मन्नो। ये तिने मौत के वारंट जिहड़े ने वो वापस लो, कानून वापस लो, तो MSP की गरंटी दे। 2022 ना किसान तो अंदोलन कर रहे हैं, वो तो नॉन पोलिटिकल उन्हां दा यूनियन ने, सो असी ये किवें कह सकते हैं कि साडे नाल जुड़नगे, उन्हां दी यूनियन है, यूनियन नॉन पोलिटिकल रखी हुई है उन्होंने, और यूनियन का जो अंदोलन है वह भी नॉन पोलिटिकल है, असी उन्हां दा सहयोग सेवादार बन के दे रहे हैं। जो मर्जी करा लैन कैप्टन साहब, जो मर्जी करा लैन अमन पार्टी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जो मर्जी करा लैन कैप्टन साहब। नूं इह लगता है शायद किसान अंदोलन करके मेरिया जिहड़ियां वादा खिलाफियां लुक जाणगियां कि घर घर नौकरी, करजा माफ़ी, 2500 रुपये बुढ़ापा पेनशन, 5-5 मरलों के प्लाट, समार्ट फोन, शायद लोग उन्होंने भुल गए। ये कैप्टन साहब की गलत फहमी है, कोई गल मान साहब तोमर साहब का बयान आया कि भाजपा इस करके नहीं चुनाव जीत सकी क्योंकि पहला तो उन्होंने अकाली दल के गठजोड़ से। नहीं देखो गल है, ये जो मर्जी बहाने लाई जान, लोग BJP नूं दिलों नफरत करन लगे, अकाली दल नूं घरें लोग पिंडां 'च नहीं वड़न दिंदे, कांग्रेस के लोगों यकीन है नहीं, इक्को ही पार्टी आम आदमी पार्टी जिदे तो लोगों को उम्मीदा ने, तो असं उन्होंने उम्मीदों से खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन 2014 च होए थे जो साधु सिंह प्रोफेसर साधु सिंह MP बने से, उदों आपां नूं वोटां जिहड़ी 2 लाख की वोट है हलका मोगे च, तो 1 लाख वोट पई सी उन्हां नूं। उस तो बाद ज्यों जिहड़े दूसरे इलेक्शन 2014 तो बाद होए ने उहनां च ग्राफ डिग्गिया ही आम आदमी पार्टी दे वोटां दा, अप्स एंड डाउन चलते रहिंदे ने पार्टियां दे, अद्धियां रह गईयां सी भाजी, पार्टियां दे विच अप डाउन चलते रहिंदे आ। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल नूं भंडदी है, कैप्टन साहब अक्सर उन्होंने ट्वीट कूल करते रहते हैं। दिल्ली कांग्रेस कितनी सीटा ने, लगातार दूजी बार 0, नैशनल पार्टी है, नैशनल कैपीटल 0, सो ये अप डाउन चलता रहता है, इदा की गल नहीं। पर जो हंकार मोदी दे सरकार दिखा रही है किसानों के प्रति, ये हंकार टुटूगा। एमरजेंसी तो बाद इंदिरा गांधी का जो हाल होया सी, कांग्रेस का जो हाल होया सी, मोदी नूं याद रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री तोमर ने साफ मना करता कि खेती नूं रद्द नहीं होनी, कट करन नाल जड़ा कोई गल नहीं, तो पहला भी करी जांदे ने, पर लोगों के प्रेशर थले झुकना पेगा, तो कानून तिने रद्द होने चाहिए है, और असी आम आदमी पार्टी सड़क तो लैके संसद तक किसानों के नाल। वेखो जी, पिछले दिन ही पंजाब च नगर निगम की चोणा हुई ने, उन्हां चोणा के नतीजे जो मर्जी रहे, पर किन्ना हालातों जो चोण लड़ी, तो शहरी इलाकों जिथे कहा जाता सी भी आम आदमी पार्टी का उन्ना आधार नहीं है, तो अज शहरां विच भी पता लग गया कि हर घर विच आम आदमी पार्टी का झंडा चुकण वाला हर वार्ड विच बंदे हैगे ने, तो उस चीज़ की हल्लाशेरी देण, अपनी सारी टीम नूं वधाइयां देण, उन्हां दी हौसला अफजाई करन वास्ते अज दी मीटिंग रखी गई है। बिल्कुल, अगे दी सारी रणनीति ते डिस्कस की जाऊगी। हाँ, शुरुआत तो हो ही गई है जी बाई दी, तो अगले एक साल का प्लान ऑफ एक्शन तय भी किया जा रहा है, डिस्कस भी करेंगे सारे। पुराना विखे हो रही है रैली जी, उनके संबंध में तुम की कहना? हाँ, उसकी कल अनाउंसमेंट की गई है 21 मार्च की है, 21 मार्च में किसानों की आवाज़, क्योंकि तुम वेखो 3 महीने होने आगे दिल्ली के बार्डर से बेहिसाब किसान बैठे है, 200 नालों वध किसान साथी साडे शहीद हो गए हैं, पर फिर भी केंद्र सरकार कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने आवाज़ को होर बुलंद करने वास्ते इतने एक
ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿੱਸੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ CM, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ? ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਵੈਰੀ ਸੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਟ ਕਰਨਗੇ।